नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सकें। आइए दोस्तों, जितने भी YouTube क्रिएटर्स हैं, YouTube ने एक नया अपडेट लेकर आया है और YouTube स्टूडियो में अब आप अपने हर एक वीडियो का एग्जैक्ट जानकारी देख सकते हैं कि आपके वीडियोस पे जो व्यूज़ आते हैं वो कहाँ से आते हैं। मैं आपको एक सैम्पल दिखाता हूँ मेरे ही चैनल पर चलकर। यहाँ पर आपको कॉन्टेंट में आ जाना है, आपने जो भी वीडियो डाली है उस वीडियो के कॉन्टेंट को देखने के लिए आपको करना क्या है, ये देखिए। मान लीजिए मैं यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये एनालिटिक्स आप देख रहे हैं, ये तीसरे नंबर का जो वीडियो है इसके एनालिटिक्स पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे आपको ये डैशबोर्ड मिल जाएगा, पर्टिकुलर वीडियो ने क्या परफॉर्मेंस किया है। ओवरव्यू में आपको ये देखने मिलता है कितने व्यूज़ हैं, कितने आवर्स हैं, कितना एस्टिमेटेड रिटर्न्स है उसका। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ था ये उतना ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं समझ आता था, आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ एक नई टेबल बन के आ गई है ट्रैफिक सोर्स की और ये देखिए एग्जैक्ट आपको कैलकुलेशन बताई गई है कि मेरे इस वीडियो को जिसमें लिखा है कि व्हाट्सएप में मेटा AI यूज़ कैसे करें, YouTube सर्च जो लोग करते हैं वो इतने परसेंट इस व्यू पर आए हैं और 65 लोगों ने जो है इसको गूगल पर सर्च किया है। ये रिकमेंडेशन है YouTube होम पर, YouTube के होम पेज पर जो है ये 13 व्यू यहाँ से आए हैं और नेक्स्ट जब हम वीडियो चला रहे होते हैं अब नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है उससे 11 वीडियो आए हैं। तो इन दोनों को मिलाकर आप रिकमेंडेशन पर देख सकते हैं आपको 24 व्यू दिख रहे हैं। इसी के साथ एक्सटर्नल जो होता है आप कभी कहीं शेयर करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, इंस्टा पर, वहाँ से जो आए हैं ये इस तरीके से दे रखे हैं और आप सी ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको ये एग्जैक्ट जो है लेकर जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपको बड़े ही डीपली तरीके से ये दिखा रहा है और आप यहाँ नीचे करके आ जाइए तो यहाँ पर आपको ये दिखा दिया गया है। यहाँ पर आपको इम्प्रेशंस भी दिखाए जाते हैं, सजेस्टेड वीडियो में इतने इम्प्रेशन है, सर्च में इतने इम्प्रेशन है, ब्राउज फीचर में इतने इम्प्रेशन है, यहाँ से आपको और अच्छा आइडिया मिल सकता है। लेकिन दोस्तों जो मैंने आपको बाहर बताया ये अभी अभी नया शुरू हुआ है क्योंकि मैंने अपने ओल्ड वीडियोस में जाकर देखा वहाँ पर ये नहीं दिख रहा था, लेकिन इससे आप बेहतर आइडिया लगा सकते हैं कि आपके वीडियो को एक्चुअल में कहाँ रैंक करना चाहिए। वो है ये जगह, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। अगर यहाँ आपका वीडियो चलेगा तो समझ लीजिए कि ये कुछ दिनों में और ज़्यादा स्पीड पकड़ सकता है और ज़्यादा ये सर्च में आ सकता है। ये इस पर सबसे ज़्यादा आपको जो है काम करना है। तो दोस्तों ये एक नया ऑप्शन जो है YouTube स्टूडियो में जुड़ा है, इसके लिए ये वीडियो मुझे लगा कि आप तक बनाना चाहिए ताकि आप भी अच्छे से रिसर्च अपने वीडियोस के ऊपर कर सकें। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी लोगों को जो YouTube पर वीडियोस बनाते हैं और कॉन्टेंट क्रिएटर हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।